नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के भांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर तीन हमनाम प्रत्याशियों के मैदान में उतरने के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत की रातों की नींद उड़ गई। राजकुमार रोत ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। दरअसल राजकुमार के नाम दो प्रत्याशियों ने उक्त सीट से निर्दलीय नामांकन भरा है। भारतीय आदिवासी पार्टी प्रत्याशी और विधायक राजकुमार रोत ने एक वीडियो जारी करके मतदाताओं से हम नाम प्रत्याशियों से भ्रमित नहीं होने की अपील करनी पड़ी है। उन्हें डर है कि हम नाम प्रत्याशी होने के चलते लोगों में भ्रम होगा और उनका वोट बंट जाएगा। मशहूर लेखक शेक्सपियर ने कहा था कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन चुनावी सियासत खड़े हम नाम प्रत्याशियों ने भांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा संसदीय सीट को सुर्खियों में ला दिया है, जिससे भारत आदिवासी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी राजकुमार रोत असमंजस में पड़ गए हैं। भांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से जहां भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राजकुमार रोत चुनावी मैदान में है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दो प्रत्याशियों ने राजकुमार के नाम से नामांकन पत्र दाखिल किया है। सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं, जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी से मिलते जुलते हैं। निर्दलीय के तौर पर डूंगरपुर जिले के चिखली गांव के राजकुमार पुत्र प्रेम जी ने नामांकन पत्र भरा है, जो वहीं भांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के राजकुमार पुत्र हीराजी के नाम पर दाखिल किया है, जिसके चलते कल 8 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशी एक साथ एक नाम के हो गए हैं, जिसके चलते लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तीन हमनाम प्रत्याशी वोटरों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके चलते भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी ने मतदाताओं के नाम के लिए एक वीडियो जारी करना पड़ा है, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमनाम प्रत्याशियों को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, जिसमें वे सफल नहीं हो पाएंगे। भांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धन सिंह रावत को उन्हीं के नाम पर प्रत्याशी धन सिंह से मात मिली थी। विधानसभा चुनाव में धन सिंह रावत को कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन सिंह बामनिया से 1500 मतों से हार मिली थी, तो वहीं उनके हमनाम धम सिंह माल ने 3500 मत प्राप्त किए थे। विधानसभा चुनाव में हमनाम प्रत्याशी उतारने से भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को पराजय का सामना करना पड़ा था। दरअसल हमनाम धन सिंह रावत के मैदान में उतरने से भ्रम की स्थिति में उनका वोट बट गया था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी प्रत्याशी को मात देने के लिए ये रणनीति आजमाई गई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।